हम चाहते हैं कि हमारी जो कन्या है हम उनको दान देंगे। तो बोलते हैं ऐसा तो होना संभव नहीं है, आप उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, फिर बहुत पैसे वाले हैं, आप ऐसा प्रतिज्ञा मत कीजिए, हम तो कुछ प्राप्ति के लिए तो हम आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम ये लालसा लेके आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं कि आप हमको कुछ दान देंगे। उस समय कन्यादान एक दान बड़ा दान माना जाता था, उसके बाद पुण्य होता है ऐसा मानते थे। जो कन्यादान करने से जैसे स्वर्णदान आदिदान भूमिदान आदि दान है ना, तो कन्यादान भी एक पुण्य कर्म ऐसे मानते थे पहले। तो तुम सज्जन हो, हम तुमको हमारे कन्यादान करेंगे। बोलते तो ऐसे प्रतिज्ञा मत कीजिए, हम कन्या प्राप्ति के लिए हम यहाँ आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम तो आपकी प्रसन्नता के लिए, आप ब्राह्मण हैं, हमारे फर्ज है सेवा करने से हमारा कल्याण होगा, हमारे मंगल होगा, इसलिए हम आपकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे प्रतिज्ञा मत कीजिए कि आपकी कन्या हमको देंगे, ना हमारी कोई इच्छा है। नहीं नहीं नहीं, हमारे कन्या हम तुमको देंगे, हम बहुत प्रसन्न हुए हैं तुम्हारी सेवा से, हम चाहते हैं हमारे कन्या तुमको देंगे। इसमें कोई कौन मना करने वाला कौन होता है, और मना करने से भी हम सुनेंगे क्यों, तो हमारे कन्या हम हमारा देने का अधिकार है। बोलते हैं आपके जो कुटुंब परिजन है सब पैसे वाले उच्च कुल के बड़े खानदान के हैं, तो वो लोग थोड़ी मानेंगे, वो तो मानेंगे नहीं, फिर अशांति हो जाएगी, इसलिए आप ऐसा प्रतिज्ञा मत कीजिए। ना ना, हमने जबान से जब कह दिया है हमारे कन्या हम तुमको देंगे तो हम देंगे ही बस। तो बोलते हैं देखिए पीछे आप वचन लौटा लेंगे किसी दबाव में आकर के, ये तो होना संभव नहीं है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आपका वचन नष्ट हो जाएगा, ये तो ठीक नहीं है। आप गोपाल जी के सामने आप प्रतिज्ञा कीजिए तो हम मान लेंगे। तो ब्राह्मण कहते हैं हे गोपाल जी, तुम देखो मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, हमारे कन्या जो है हम ये छोटे ब्राह्मण को दान दे दिया, दे ही दिया, घर में जाके हमारे वचन को हम पूरा करेंगे, तुम साक्षी हो गया ना। हाँ आप तो हो गया। फिर छोटे विप्र कह रहे हैं देखियो, देखो गोपाल जी, अगर ये ब्राह्मण हमारे पितृतुल्य है, ये कहीं मुकर गए, पीछे कहेंगे जो हम देंगे नहीं, नहीं दे सकते तुम्हारे जैसे ब्राह्मण को, बस छोटे को निम्न कुल के, ऐसे को हम कन्या नहीं देंगे, किसी के दबाव में आकर ऐसे कह दिया तो हम तुमको साक्षी बुलाएंगे, तुमको जाना पड़ेगा। सरल है ना, विग्रह में भगवत बुद्धि, साक्षात भगवत बुद्धि, ऐसे पहले ऐसे बहुत मान्यता थी, मानते थे ठाकुर जी को विग्रह को साक्षात भगवान, और है भी ऐसा बहुत सारे प्रमाण है जो विग्रह ये साधारण नहीं है, साक्षात भगवान की ही विग्रह मूर्ति है, ऐसा बहुत सारे प्रमाण है पूरा भारत खंड में, हजारों प्रमाण है। तो घर गए, घर जाके बड़े विप्रो अपने परिजन को कह रहे हैं जी हमने वचन दिया, ये छोटे विप्रो जो है ये हमारे बहुत सेवा किए हैं, तो इसीलिए हमने वचन दिया हमारे कन्या को इसको दे देंगे। तो उनके बेटा पश्चात बेटा थे और सब परिजन सब पैसे वाले धनाढ्य हैं और संभ्रांत घर के, सब कहते ऐसा होना संभव नहीं, इज्जत का सवाल है, ये हमारे खानदान के सवाल है, ऐसा तो होना संभव नहीं, आप वचन देने से क्या होता है। लड़का लोग कहते हैं हमारे बहन है हम तो देंगे ना, आप कहने से क्या होता है, आप वचन दे दिए तो क्या होता है, हमारे कन्या हमारे बहन है, हम बहन को भाई कोई बड़े खानदान बड़े घर में देंगे, ऐसा आप कहने से थोड़ी होता है, आपका कन्या हो तो क्या हुआ, हमारे तो बहन है हम देंगे ही नहीं किसी कीमत पर। बोलता है नहीं 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 ऐसा नहीं, हमने तो वचन दे दिया है, हमको तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा, फिर हम नरक जाएंगे। बोलता है तुम नरक जाओ चाहे कहीं जाओ, हमारे खानदान के मर्यादा हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, किसी भी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे बहन को तो हम तो अलग कहीं ब्याह कराएंगे बढ़िया खानदान में, और कुटुंब जितना है सब रोना पीटना शुरू किए, हमारे खानदान का सवाल है, ऐसे निश कुल में कन्या देने से अमर ज्यादा हो जाएगा, समाज में कलंक हो जाएगा, अरे इतने बड़े खानदान की लड़की, देखो एक गरीब घर के खाने को नहीं मिलता है, ऐसे एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण को दे दिया है, देखो कितना निज बुद्धि है, ये कलंक लग जाएगा हमारे ऊपर। तो उनके पत्नी कहते हम तो गले में फंसी लटका पर मर जाएंगे, फंसी लगा कर मर जाएंगे अगर तुमने कन्या दे दिया तो। रोना पीटना शुरू हो गया, सब हल्ला गुल्ला एकदम, कोई मरने के लिए तैयार नहीं, तुम अलग रहो, तुम्हारा कोई काम करने का जरूरत नहीं, तुम ऐसा पसंद मत दो, जाओ
तुम घर में रहो, ऐसा होना कभी कदापि संभव नहीं। तब ब्राह्मण देखते हैं जो अगर हम कन्या दे दिया तो पूरा परिवार पूरा खानदान हमारे विपक्ष में चला जाएगा और बड़ा अशांति हो जाएगी। हमारे कन्या आदि जो है ये कहते हैं फांसी लटका करके जान दे देंगे, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप क्या करें। सोचते हैं भाई, तो पुत्र लोगों को बुलाया, भाई मान जाओ। बोलते नहीं, किसी कीमत पर हम मानने के लिए तैयार नहीं है तुम्हारे वचन को। हमारे बहन है, हम उच्च कुल में बड़े खानदान में हम शादी देंगे, ब्याह कराएंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे, ऐसे निष्कुल में पैसा नहीं, गरीब दरिद्री है, ऐसे घर में देंगे तो हमारा अमर ज्यादा हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, हमारा बदनाम हो जाएगा। तो बोलता हमने तो वचन दे दिया, इसका क्या होगा। वो विपुरा की जब हमको पूछेंगे जो आपका कन्या नहीं देते हैं, हमने तो वचन दे दिया तो क्या होगा। तो बोलना जो हम भूल गया क्या कहा, वृद्धावस्था है, बुढ़ापा आ गया है, हमने क्या कहा, हमारा तो भाई याद नहीं है। और बाकी ऐसा कितना कह दो, फिर हम लोग बेटा लोग कहते हम लोग संभाल लेंगे, फिर हम लोग संभाल लेंगे, तुम सिर्फ इतना कह देना, ना भी नहीं करना है, हाँ भी नहीं करना, बाकी जो संभालना है हम लोग संभाल लेंगे। और सबके रोना पीटना ये सब घर में अशांति कला देख करके ब्राह्मण सोचते हैं भाई तो हम तो बहुत आफत में पड़ गया, अब मैं क्या करूं, तो मानना ही पड़ेगा। कुछ दिन पीछे छोटे विप्र आ गया, आकर के दंडवत प्रणाम करके कह रहे हैं जो आपने वचन दिया था आपकी कन्या को देंगे हमको, तो आप तो कोई आवाज ही नहीं निकालते हैं, आप कुछ कहते ही नहीं है। खैर कन्या के लिए हमारा कोई लालसा है नहीं, लेकिन आपका वचन नष्ट होगा यह इसके लिए हमारे बहुत मन में बहुत दर्द है, तो आप कुछ बोलते क्यों नहीं, देंगे या ना देंगे, हाँ कह दीजिए या ना कह दीजिए, सत्य है दे दीजिए, मुकर जाते हैं, मिथ्याश्रय लेते हैं, नरक जाना चाहते हैं मत दीजिए, लेकिन कुछ तो कहिए, बहुत दिन हो गया। तो बेटा लोग सब आ गए हैं, सब खेल लिए हैं, देखिए आज उसके फैसला होना चाहिए। तो पिता की तरफ देख रहे हैं आँख मोटा मोटा करके, वैसा बोलना पड़ेगा नहीं तो झमेला हो जाएगा। पिता देखते हैं अगर हाँ कर तो ये तो हमारे बेटा लोग डांडा मार के ये ब्राह्मण को मार देंगे, तो अशांति हो जाएगी, तो क्या किया जाए। बोलते हाँ हम तो तीर्थ में गए थे, उस समय हमारे बुढ़ापा है, क्या कब क्या कहा था, कहाँ क्या शब्द कह दिया, हमारे उतना तो ध्यान नहीं है, तो भाई तो ये हम ठीक कह नहीं सकते हैं कब हमने ऐसा शब्द कह दिया, भाई हमारे तो याद नहीं है, बुढ़ापा आ गया। बेटा लोग कहते हैं ये दुष्टों धुतरा खिला करके हमारे पिता को बुद्धि खराब करके ऐसा वचन ले लिया है, डांडा मार के तुम्हारा टांग तोड़ देंगे, बोल के डांडा उठाया और वो ब्राह्मण तो भाग गया, डर के मारे तो हमको मार ही देंगे भाई, फिर कभी हमारे द्वार जब आया तो टांग तोड़ देंगे कभी, तुम्हारे बहन को शादी करना चाहते, इतना हिम्मत हुआ, इतना तुम्हारा दम हो गया है, वो तो डर के मारे भाग गया। तो कुछ दिन पीछे ब्राह्मण छोटे विप्र देखते हैं तो ये तो ब्राह्मण का वचन नष्ट हो जाएगा, ये अपने परिवार का पल्ला में पड़ गया है, तो फिर एक चुपचाप आ गए हैं। देखिए अपने साक्षी रखे थे, साक्षी जो गोपाल जी हैं वृंदावन में, हम साक्षी बुलाएंगे, हम साक्षी बुलाएंगे, इकट्ठा किए हैं सब गांव के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके ले आए हैं, पंचायत जोड़े हैं, जे ये बड़े विप्रो हमको वचन दे करके आप कन्या देना नहीं चाहते हैं, आप लोग विचार कीजिए। तो सब समाज के लोग सब इकट्ठा हो गए, हाँ भैया ऐसे बात है, आप वचन दिए थे, आप क्यों नहीं ना करके, बोलते हम तो भूल गया क्या वचन दे दिया, बुढ़ापा आ गया है, कोई दिमाग ठीक नहीं, तो आपका कोई साक्षी है। तो छोटे विप्र कहे हाँ हमारे साक्षी है, हमारे गोपाल जी हैं वृंदावन में, हमारे गोपाल जी, हम उनको साक्षी रख करके हम आए हैं। तो लड़का लोग देखते हैं तो भाई विग्रह तो चलता नहीं है, विग्रह बोलता नहीं है, ऐसा साक्षी मान लिए हैं तो वो तो आएंगे नहीं, बोलेंगे भी नहीं, तो काम भी मिट जाएगा। बोलते हाँ साक्षी बुलाएंगे तो फिर हमारे बहन को हम दे देंगे, एक बार साक्षी तुम बुलाओ, बुला करके प्रमाण दो, साक्षी अगर कह दिया जो ऐसे कन्यादान किए हैं तो दे देंगे, वही बात नहीं है, बेटा लोग जानते हैं तो साक्षी आएंगे नहीं, आते नहीं कभी, विग्रह कभी आते हैं,
और ये जानते हैं भगवान है, ये हम साक्षी बुलाएंगे, जरूर आएंगे, भगवान क्यों नहीं आएंगे, तो चले गए वृंदावन। वृंदावन आ करके बहुत रो रहे हैं, हे गोपाल देव देखो ब्राह्मण का वचन नष्ट होगा, ब्राह्मण वचन से गिर जाएगा, ये बहुत कष्ट की बात है, तुम साक्षी हो भगवान हो, हे प्रभु तुम हमारे साथ चलो साक्षी देने के लिए, बहुत संकट की घड़ी आ गया है हमारे लिए, अगर तुम नहीं जाओगे तो हम छूटा हो जाएंगे, समाज में हमारा कलंक हो जाएगा, और तुम भी साक्षी माने हैं तुमको, तुम नहीं जाओगे तो विग्रह प्रति भी किसी का श्रद्धा नहीं रहेगी, जो विग्रह सब ये सब बेकार है, प्रभु तुम चलो। तीन दिन ऐसे पड़े रहे, फिर साक्षी को बोलते थे ठीक है हम चलेंगे, लेकिन यहाँ साक्षी बुलाओ, हम यहाँ से ही हम साक्षी दे देंगे। बोलता है यहाँ कभी आने से उन लोग मानेंगे थोड़ी, उनको चलना पड़ेगा। बोलते चलेंगे कैसे, हम विग्रह हैं, विग्रह कभी चलता है? बोलते विग्रह चलता नहीं है तो विग्रह कभी बोलता है? जब विग्रह बोल सकता है तो विग्रह चल भी सकता है, तुमको जाना पड़ेगा, सीधा बात है। भक्त को बचन रक्षा के लिए भगवान बोलते हैं ठीक है हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, हमको एक किलो चावल का भात रसोई करके हमको देना, खबरदार मुड़ के नहीं देखना हमारे तरफ, हमारे पायल की जो आवाज़ है झुम 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 जो आवाज़ सुनते रहोगे, हम पीछे पीछे चलेंगे, अगर तुमने कहीं जा करके हमको मुड़ के देखा तो फिर हम वही रह जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे नहीं, आगे जाएंगे नहीं, तो ठीक है। तो भी चल दिया, फिर चुम 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 आवाज़ करते करते भगवान जा रहे हैं, और गाँव आते ही वहाँ भिक्षा करके रसोई बना करके एक किलो चावल के अन्नों ऐसे पीछे मुड़ के भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान प्रसाद पाते हैं, और चलते हैं पीछे पीछे, चलते चलते आ गए हैं साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल के पास। आप आ तो गए हैं साक्षी गोपाल, तो खुद के घर जो और आगे था, लेकिन सोचे हैं भाई घर जाके अगर दिखने भगवान वास्तव में आए नहीं तो आवाज़ तो हम सुन रहे हैं, ये हमारे मन की भ्रम है कि सत्य है, कोई ठिकाना नहीं है, तो पीछे मुड़ के देख लूँ, अगर यहीं रह भी जाए तो कोई दोष नहीं है, यहाँ तो हम साक्षी को बुला लेंगे, अगर नहीं है तो हम घर गए फिर हम तो झूठा साबित हो जाएंगे, भगवान आया नहीं और ये कह रहे हैं हमारे साक्षी आ गया है, तो पीछे मुड़ के देख लूँ तो थोड़ा साक्षी आए हैं कि नहीं भगवान, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो विग्रह हंस रहे हैं, बंशीधारी भगवान बोलते हैं अब तुम जाओ, अब हम नहीं जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो फिर जा करके वो घर में जा करके अपने सब ग्रामवासी को बुला कर हमारे साक्षी आ गए हैं, आप लोग चलो प्रमाण देंगे। तो ग्रामवासी भी जितना था और पूरा झुंड के झुंड आ गया, जो ऐसा कभी होता है विग्रह कभी चल के वृंदावन से आ सकता है, और छोटा विग्रह नहीं बहुत बड़ा विग्रह है, वहाँ तक हम तो देखा है ना साक्षी को पल, हम लोग गए हैं ना, गए नहीं, बहुत बड़ा विग्रह है, वहाँ तक पूरी के आगे साक्षी को पल स्टेशन भी है, स्टेशन भी है, स्टेशन भी इतना बड़ा विग्रह, वो इतना बड़ा क्रेन से भी उठाना मुश्किल होगा, इतना बड़ा विग्रह है। तो सब ग्रामवासी सुन करके बच्चा बच्चा जो जितना है सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साक्षी गोपाल आए हैं भगवान वृंदावन से आए हैं देखने के लिए, भाग के आए हैं सब आए हैं, वो ब्राह्मण को भी बुलाया गया, बेटा को भी बुलाया गया, फिर भगवान वहाँ कहे हैं कि देखो बड़े विप्रो ने प्रतिज्ञा किए हैं, वो कन्यादान छोटी विप्रो को दान दिए हैं हमारे सामने, तब जाके मान गए, तो कह दिए हैं साक्षी गोपाल जी जो हम आप नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे, तब से साक्षी गोपाल वहीं रहेंगे, अभी विशाल मूर्ति है, सत्य घटना है, स्टेशन का नाम है साक्षी गोपाल। चलो चलो, उन विप्र ने उनकी सेवा की थी, सेवा के छोटे विप्र ने बड़े विप्र की सेवा को भी सेवा से प्रसन्न हुए वृंदावन, अभी भी वो भग्नावशेष है मंदिर का, गोविंद मंदिर के सामने,
से ऐसे ही होगा, बस परंपरा चल रहा है। और कहानी है राजा है थे जो राजा नहीं की जावा तो ग्रामीण राजा है मुक्ता बजावा है दो तो और कहानी है चैतन्य चरतामृत में है जी।